हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू सीरीज, न्यू प्लेलिस्ट। तो हाँ, अब तुम्हें मजे मिलेंगे हफ्ते में दो दिन, एक शुरुआत में एक आखिर में। मेरे लिए एक्टिव होगा बट मजे देखो बराबर मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ एक चीज़ के लोगों कंटेंट देने से ही लोग आएंगे मेरे पास। तो इस पूरी सीरीज का नाम, इस पूरी प्लेलिस्ट का नाम, जिसमें ये सारी वीडियोज आएंगी, जिसपे मैं सुपर हीरो टॉक्स करूँगा, तो उसका नाम रख रहा हूँ मैं सुपर सैटरडे स्पॉटलाइट। मुझे पता है थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरी दूसरी सीरीज चलती है जिसका नाम है ट्रिपल एम, तो इसका नाम ट्रिपल एस, तो थोड़ा वैसा करके मैंने बनाया है सुपर सैटरडे स्पॉटलाइट्स। इसमें हम बात करेंगे या स्पॉटलाइट्स डालेंगे उन सारे टॉपिक्स पे जो इस वीक गए सुपर हीरो रिलेटेड। ठीक है, तो इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें मैंने देखी सुपर हीरो से रिलेटेड। पहले दी बॉयज खत्म हो चुका है, उसके ऊपर आराम से बात करेंगे, लास्ट सेगमेंट उसके ही रखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आया शायद। सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टीजर आया वो पूरा पॉलिटिक्स पे ही ज़्यादातर रिलाई कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अभी जो कांड हुए हैं इटर्नल्स मूवी में, जैसे कि तुम्हें पता है वो जो सेलेस्टियल बीइंग जो कि पानी में ओशन में तैर रहा है, तैर नहीं रहा, वो मर चुका है, एक तरीके से डेड हो चुका है। तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, बड़े बड़े जीवों की मिनरल्स पे खेलते आए हैं, आज तक खेल रहे हैं पेट्रोल, यू नो। ठीक है, तो वही हम वापस से करने जा रहे हैं, हम नहीं, अमेरिकन्स और जापान में लड़ाई होने वाली है। हम थोड़ा बीच में नहीं आते हैं ऐसी चीज़ों के, हम सभ्य लोग हैं थोड़े। तो मूवी में वही पॉलिटिक्स चलेगी ज़्यादातर, कि हमें ये बॉडी चाहिए क्योंकि हमारे पास आने चाहिए मिनरल्स। उसमें है एडमेंटियम, एडमेंटियम नहीं जानते, मैं बताएगा मैं एडमेंटियम। तुमने अगर एक्समैन की कोई भी मूवी कभी देखी है, तुमने कोई टीवी सीरीज कभी देखी है जिसमें एक्समैन लोगन को जानते हो, लोगन नहीं जानते, वुल्वरीन जानते होगे, तो वुल्वरीन को अगर तुमने कभी भी देखा अल्टीमेट स्पाइडरमैन या किसी भी कॉमिक सीरीज में या शो में, तो वो जो उसके जो क्लॉज हैं वो एडमेंटियम मेटल के हैं। हाँ, उसका रीजनरेशन पावर भी उसको उसी से मिली है, और भी चीज़ें हैं। तो इतना ब्रीफ बहुत है मतलब तुम्हें समझाने के लिए इंपॉर्टेंस उस मेटल की। तो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं थंडर बोल्ट रोस, जो कि कॉमिक्स में बनते थे रेड हल्क। तो तुम्हें पता है कहाँ मूवी सीरीज जा रही है, तुम्हें लास्ट के टीजर के एक शॉट में दिखा दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि टीज़र में इतना हाइप नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ ना मूवी में भी दिखा देना तो बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती, क्योंकि हमें पता है थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर आर्क क्या है, मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको शायद से ना पता हो, बट जो थोड़े भी इंक्लाइंड हैं इन चीज़ों के रिलेटेड सुपर हीरो बातचीत में, उन्हें पता है कि थंडरबोल्ट रॉस ही सुपर रेड हल्क बनता है, मतलब क्योंकि वो गर्म होने लग जाता है। तो पूरी मूवी का सार यही होने वाला है कि पूरी मूवी में हमें पॉलिटिक्स दिखाई जाएगी एडमेंटियम मेटल से रिलेटेड, कि हमें चाहिए, और फिर लड़ाई होगी। और अमेरिका जापान के रिश्ते तुम्हें पता ही है, लड़ाई के मामले में बहुत ख़राब है, साले चिढ़ जाते हैं भाई, किलच जाते हैं, और फिर तुम्हें पता है किलच जाते हैं तो कितना गंदा किलचते हैं, अम्मा बहन पे ही आ जाते हैं, लिटरली आ जाते हैं, वो तो ठीक है पर बचती नहीं है वो अलग बात। तो फ्राइडे रात एकदम से रायन भैया आते हैं और लाइव आके वो करते हैं क्या, अपना एक ट्रेलर, थर्ड फाइनल ट्रेलर डाल देते हैं, और उसमें बहुत चीज़ें दिखाने को, देखने को, जहाँ ऑडियंस की आँखें ग्रैब हो जाती हैं वो है फीमेल या शी डेडपूल, या फीमेल डेडपूल, वो बहुत तगड़ी लग रही थी, जो वो कैट वॉक करती हुई आई। यहाँ पैर रखना पीजे भाई, ये कह रहे हो, मैं पैर नहीं रखवाना चाहता क्योंकि बचूंगा नहीं, यू नो हील्स। ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा हाइप कर देता हूँ तुम्हें मूवी सीरीज के लिए, तुम्हें पता है, देखना रायन वो बकचोद लौंडा है जो अमेरिका में पैदा हुआ है, ठीक है, इतनी बकैती करेगा मूवी सीरीज में, तुमने जितनी भी सीरीज देखी है डेडपूल 1 डेडपूल 2, उसके अलावा उस कैरेक्टर को शायद से इतना मज़े से कर ना पाए कोई, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी थोड़ा फन कैरेक्टर दिखता ही है, ऐसा बातचीत है रायन भाई के अंदर, ऐसी बातचीत है, ठीक है। और वुल्वरीन भी आ रहा है, तो हमें दिखाया गया कि लोगन के प्लॉट को ये ना छेड़ते हुए लोगन के कैरेक्टर्स को वापस ला रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि जो ये वाला वुल्वरीन है उसको अपना रिडेम्पशन क्लियर करना ही पड़ेगा, ताकि वो वुल्वरीन बन पाए, ताकि वो अपने सारे एक्समैन के ग्रुप को जिनको उसने खो दिया अपने यूनिवर्स में, वो अगले यूनिवर्स में जाके किसी और के एक्समैन या किसी और के प्यारे लोगों को बचा पाए। यही है स्टोरी वुल्वरीन की इस मूवी में। पर मूवी में प्लॉट तो हमें चाहे पूरा भी बता दो, बट जो चीज़ें हैं देखने में, वो जो वुल्वरीन के बिल्कुल उंगली घुसेड़ी जा रही है सर में, और वो जो चिघाड़ रहा है, चीख रहा है, वही तो मजा है। देखो चीज़ें देखने में मजा आती है, सुन तो मैं तुम्हें सुना पूरी स्टोरी दूँ, कोई भी आके सुना दे, बट जो वो कैमियोज हैं, जो एक तो कैमियोज बिल्कुल हिट करेंगे, X23 का है जो नहीं पता, एक्स लोगन में जो उसकी बेटी होती है जिसको वो सेव कर रहा होता पूरी मूवी, उसका नाम है, अगर नंबर गलत बोल दिया वो अलग बात है, बट हाँ उसकी बेटी का नाम ऐसे कुछ है, वो भी अच्छा है। तो ट्रेलर बहुत अच्छा हाइप दे देता है इंसान को कि अब मजा आएगा।
तो अब बात करते हैं इस वीक एंड होने वाली एक बहुत ही फेबुलस सीरीज की, जिसका नाम है द बॉयज। एपिसोड 8 ड्रॉप हुआ, पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा एपिसोड 1 से। हमें चीज़ें पता चलती हैं कि बुचर स्क्रिजोफेनिया पेशेंट बन चुका है, उसको अपनी बीवी दिखाई दे रही है और चीज़ें और भी एक्सकलेट होने वाली हैं। वो अब सोच रहा है कि वो शायद से रायन को क्लेम करके, उसके दिमाग को क्लेम करके उसको अच्छा इंसान बना सकता है और उसको अगेंस्ट कर सकता है उसी के बाप के अगेंस्ट, जिसका नाम है होम लैंडर। बट ऐसा नहीं होता है, लास्ट में सब चीज़ों पर पानी फेर दिया जाता है रायन के थ्रू। वो मार देता है अपनी ग्रैंड माँ को भी एक तरीके से, जिसने पाल नानी ही पेल दी। बहुत बहुत बुरा लगा मुझे जब वो हड्डी देखी मैंने, कि हड्डी ऐसी आ चुकी है, बहुत ख़राब थी वो चीज़ें। क्योंकि पूरी सीरीज ना तुम्हें हाइप करती है कि रायन शायद से अच्छा बन जाएगा, उसके अंदर एक अच्छा बच्चा है, बट वो अच्छा बच्चा बड़ा मादरचोद है। उसने सच में वही करा जो उसको नहीं करना चाहिए था, बट अपना बुचर जैसे ही उसने सोचा था कि वो अच्छा खासा मरेगा और नॉर्मल हैप्पी एंडिंग करेगा, हुई हुई को उधर तेल लिए, हुई हुई को अपनी आखिरी विश बता के बस वो टरकने जा रहा था, बट रायन ने प्लान पे मिट्टी फेर दी है। और जो बीच में ये चीज़ यूज हुई वेब वीवर और जो स्पाइडरमैन की इतनी पैरोडी बनाई भाई, वो वेब वीवर को मैं जब बार बार वो वेब निकाल रहा था ना, वो थोड़ा गंदा सा लग रहा था। वो एक जो शॉट है जिसमें वो होमलैंडर के आगे ही वेब निकालते जा रहा है, बहुत ही एक दो बार ठीक भी लगता है, उसके बाद क्रिंज लगने लग जाती है वो पूरी चीज़। नए कैरेक्टर्स आए, नए कैरेक्टर्स गए, बट सबकी लाइफ फक्ड हो गई एट लास्ट द बॉयज ग्रुप में। क्योंकि बुचर का दिमाग खिसका, उसने कंपाउंड भी अपने अंदर इंजेक्ट किया, अपने अंदर नई पावर लाया और उसने उससे विक्टोरिया न्यूमैन को पेल दिया, जो कि अच्छे रास्ते पे आने की सोच ही रही थी। पहली सीढ़ी पे पैर रखा और बुचर ने पकड़ के पेल दिया, उसी सीढ़ी पे मार मार के काट दिया था भाई। वो जो सीन है ना, मेरे को लगा नहीं था उसका ऐसा एंड हो सकता है। मतलब सूप है भाई, वो फट फट से उड़ा सकती है इंसान को, बट वो ये ना उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसे झटझट से बुचर आया, बट ख़त्म। पर जोई का क्या हुआ मेरे को नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। और मेरे को लगता है अब जोई अपना रिडेम्पशन लेगी कि मेरी माँ को मारा, अब देख तू बुचर। तो अगली सीरीज में सेटअप कर दिया बहुत अच्छे से, रायन होमलैंडर और सोल्जर बॉय तीनों फैमिली, तीनों जनरेशन अब बजाएंगे पूरे वर्ल्ड की, और उनको मारने निकला है सिर्फ एक, दी बिली फकिंग बुचर। अब देखते हैं बुचर कितने कामयाब हो पाते हैं अपने प्लान में, क्योंकि मदर्स मिल्क एमएम वो तो मार्विन जा चुका है अपनी बीवी के पास, क्योंकि उसके सारे प्लान पे मिट्टी फेर दी है बुचर ने। इतनी सारी जो चीज़ें हुई, बताओ हुई हुई को किसी और के साथ समय बिताना पड़ा और उसकी वजह से स्टारलाइट उससे गुस्सा हो गई थी, एनी यू नो, बट ठीक है मजे तो दोनों गए, एनी को नहीं आया ठीक है वैसे, सही में हुई सही बता, तुझे पता था ना वो एनी नहीं, बट जो भी है हमें क्या, एनी मान गई, हुई हुई मान गया, अपन तो सही मस्त में चल ले। तो अब एनी हुई हुई एक साइड जा रहे हैं, फ्रेंची और उसकी बंदी एक साइड जा रहे हैं, सॉरी नाम भूल गया कैरेक्टर जीतने। होमलैंडर निकल पड़ा है अपने पापा को मिलने, और पापा को मिल चुका है वो, अब अपने बेटे को क्लेम करेगा और निकलेगा कि आओ अब पूरे वर्ल्ड को तहस नहस किया जाए, क्योंकि सब ने दिल तोड़ दिया हमारा ऐसा। और ठीक है अब सीरीज़ में ना मज़ा वही आ रहा है, बट वो है ना कि एक्सकलेट नहीं हो रहा। और तुम्हें पता है तुम्हारी हाइप क्या है उस चीज़ से, तुम वो बार बार देखते रहो, तुम शायद से वो हो जाता है कि अच्छा बस यही। क्योंकि देखा जाए इस सीज़न में कुछ ऐसा ओवर द टॉप नहीं लगा बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो इसको मैं बहुत ही टॉप पे याद रखूँगा। जैसे थर्ड सीज़न में तब भी था, क्या था तुम्हें पता है, जैसे कि होमलैंडर और बिली बुचर लड़ते हैं कंपाउंड व्हील, बिली बुचर ने जब ले रखा है सोल्जर बॉय के अगेंस्ट, और वो लगती है फाइट ठीक है। और ऐसी चीज़ें नहीं तो एक दो चीज़ें और भी हैं जो आपको याद रहेंगी, जिसका नाम है गुस्ताखियाँ बाय बिली बुचर एंड वंडर वुमन ऑफ दिस शो, तुम्हें पता है वो जो लटका पटकी और चल्ली की लड़ाई, वो हर किसी के बस की नहीं है। मैं इस सीरीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये और अगले सीज़न में अब एंड गेम लाइक तो नहीं, पर इन्फिनिटी वॉर इनका आ चुका है, अब ये आखिरी एक दो लड़ाइयाँ लड़ेंगे, उसके बाद शायद से नया सेटअप करना पड़ेगा। ये ऐसी सीरीज़ है जिसको मैं 10 सीजन आ जाएंगे ना तो भी मैं शायद से ये नहीं कहूँगा कि अरे बेकार कर दें, बट स्टोरी ऐसी है कि अगर बुली बुचर मर भी जाता है तो हम यूई को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूई भी कन्वर्ट होते जा रहा है, तो मैं लगेगा कि हाँ भाई अब उसमें भी ना वो मेनली चीज़ें आ रही हैं कि अब वो
केयर करना कम कर चुका है क्योंकि इतने ब्लड के छींटे उसके मुंह पे पड़ चुके हैं कि अब उसे आदत हो गई है उस चीज़ की। जैसे वो खुद कहता भी लास्ट एपिसोड में कि पहले बार में मैं जब आया था तब मेरे को खून से डर लगता था, अब तो मेरे लिए वो रोज़ की बात है, उस समय नहाता हूँ मैं, ऐसी वाली बातचीत हो रही है। तो तुम समझ सकते हो उस वो चेंज हो चुका है और फ्रेंची भी चेंज हो चुका है, उसको अपना पश्चाताप जो करना था वो उसने छोड़ दिया है और वो अब सेटल होने जा रहा है किसी के साथ। और लास्ट में जो चीज़ें निकल के आती हैं वही तो मेन है। सोल्जर बॉय से अपना होमलैंडर मिल चुका है, उसको अलग करो। जो जेन वी के कैरेक्टर थे वो आए, उन्होंने जो अपने नॉर्मल दी बॉयज के कैरेक्टर्स हैं उनको हैप्पी एंडिंग लेने नहीं दी, आधे पकड़ के ले गए उनको। अब देखते हैं सीजन 5 में क्या बकैती होगी और उसके लिए मैं ज़रूर ही इक्विप्ड रहूँगा। तुम आना ना आना मैं वहीं रहूँगा, ठीक है। दी अमेजोन प्राइम आई एम टॉकिंग टू यू, जल्दी निकालो भाई ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें कम निकालोगे ना फिर तुम्हें पता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूँगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दुरुस्त रहना, और तब तक के लिए देखते रहना सुपर सैटरडे स्पॉटलाइट। Bye-bye.